अब जनाब हम कहते हैं कि हमारे पास ना एक यहाँ पर बड़ा है क्यूब, मैं तो एनिमेटर लगा रहा हूँ क्यूब के ऊपर, आपने सिर्फ कंसेप्ट देना मकसद है कि एनिमेटर होता क्या। ठीक हो गया, ओके। आपने लिया यहाँ पे क्यूब, राइट क्लिक 3D ऑब्जेक्ट क्यूब, ये आ गया जी क्यूब। ठीक हो गया, ओके सर, ये आ गया आपका क्यूब। आपने इसकी एनिमेशन बना ली ऐसे, वैसे भी बना लो। एनिमेशन किस तरह बनती है, राइट क्लिक विंडोज एनिमेशन क्रिएट क्रिएट, दो दफ़ा क्रिएट हो गई, क्रिएट ये बना रहा हूँ मैं, कहता हूँ जनाब इसकी एनिमेशन चले हमारे पास 5 सेकेंड इधर, फिर अगला 5 सेकेंड, बात इतनी बहुत है। ठीक हो गई, हमने टाइम थोड़ा कम कर दिया, ज़्यादा हो गया था, 5 सेकेंड इधर और 5 सेकेंड इधर, और ज़्यादा देर जैसे गेम प्ले होगी चल पड़ेंगे, ऐसे होगा ना। लेकिन हम ऐसे चाहते हैं कि कोई बटन लगाएं, बटन क्लिक हो तब ये चले, बटन क्लिक हो तब ये चले। हमने क्या करना है, उन्होंने गौर किया होगा इस एनिमेशन हमने बनाई है ना, इसके ऊपर ऑटोमेटिकली एनिमेटर भी लग गया है, इसके ऊपर एनिमेटर भी एक लग गया है। आपने यही एनिमेटर यूज, अगर तो आपने एक ही एनिमेशन है फिर तो आप इसी एनिमेटर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो, वरना आप एक जनरल एनिमेटर बना लो, हम जनरल एनिमेटर बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने एनिमेशन बनाया, ये एनिमेशन आ गई, ये साथ उसका एनिमेटर आ गया। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम जनाब यहाँ से जाते हैं, इस एनिमेटर को डिलीट करते हैं, एनिमेशन को डिलीट नहीं करना, एनिमेशन क्लिप हमने बना के रख लिया है। अब वो कह रहा है मिसिंग एनिमेटर, ऐसे है ना, हमें मिसिंग ही चाहिए था। अच्छा ये अब हमने एक जनरल एनिमेटर बनाते हैं जिसमें हमने जितनी भी गेम के एनिमेशन हैं उनको हैंडल करना है, राइट क्लिक, उसमें भी कर सकते थे। यहाँ पे होगा एनिमेटर, एनिमेटर कंट्रोलर, ठीक हो गया। इस पर क्लिक करते हैं और ये इसका नाम जो भी देना है हमने, न्यू एनिमेटर, ये कुछ भी देना है, आ गया। इसको आपने कर लेना डबल क्लिक करके ओपन, ये होता है इस तरह का कुछ। चलो पहले दिखा दूँ, इस तरह होता है कुछ। इसमें आपने अपने सारे ये एनिमेशन, इस तरह आपने एनिमेशन जो बनाई हैं वो ड्रैग करते जाना है, उनकी लिंकिंग करनी है और वो कोडिंग के थ्रू हैंडल करना है, वो करते हैं अभी। अच्छा अब हमने कौन सा एनिमेशन क्लिप बनाया, अब सबसे पहले तो आपने आते क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट एम्प्टी स्टेट बना लेनी है। कौन सी स्टेट बना लेनी है, एम्प्टी स्टेट, यानी गेम चलेगी ना वो स्टेट में आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जो हमारा एनिमेशन बनाई है वो उठा के यहाँ ड्रैग कर देंगे, या तो कोई मसला। अच्छा अब हम चाहते हैं कि हमारी एनिमेशन यहाँ से चले और इसमें आ जाए, ऐसे ही ना, जब बटन क्लिक करें तो इस स्टेट से इस स्टेट की तरफ क्या कर जाए, मूव कर दे। तो हम इसे क्या बनाएंगे, ट्रांजिशन, इनका रब्ता करेंगे, लिंक करेंगे। यहाँ से क्लिक किया मेक ट्रांजिशन और इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ तक कोई मसला, ठीक हो गया, ओके। अच्छा जी अब ये हमारा लिंक तो हो गया, अब भी क्या होगा, अब भी मैं करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर कोई कंडीशन लगाई हमने, कोई कंडीशन तो अभी तो कुछ नहीं लगाया, सिर्फ लिंक जोड़ा, तो अभी भी वो क्या होगा, इसमें आएगा और फौरन इसमें आ जाएगा, ये फिर चलना शुरू हो जाएगा। गेम बड़ी स्क्रीन तो नहीं है, बड़ी स्क्रीन है, यहाँ पे देखना एनिमेटर में क्या हो रहा है।
मोशन में एक गलती तो हुई है, हाँ गलती क्या हुई है, गलती भाईजान ये हुई है, इस क्यूब से ऊपर एनिमेटर हटा दिया हमने, तो भाई जो एनिमेटर हमने बनाया था इसको लगाना है इधर, क्योंकि एनिमेशन क्लिप तो इस एनिमेटर में पड़ा है, ऐसा है कि नहीं है, ऐसा ही है ना, आप देखना, देखा आपने क्या हुआ, इस तरफ से रहता है ये मसला, इसकी स्क्रीन छोटी है, चलो ऐसे दिखा देता हूँ, आया प्ले हो गई है बैक पे, चलो खैर ये प्ले हो जाती है, हमने इसे कोडिंग के साथ करना है, ये प्ले हो जाती है ना, क्यूब चल पड़ता है खुद ब खुद ही, दोबारा दिखा देता हूँ मैं, हमने गेम प्ले की है, वो कुछ सेकंड के बाद खुद ब खुद ही पहली स्टेट पे आया, उसके बाद दूसरी स्टेट में आया, और उसने आगे क्या करना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया। अच्छा इसको करना है कोडिंग के थ्रू, सिंपल सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, आपने जाना है इधर, क्या जवाब है यार, अच्छा आप कहते हो कि इस पर क्लिक करना है आपने, इसका ना ये ख़त्म कर देना हैज़ एग्जिट टाइम, कि ये खुद ब खुद ही अपने दूसरे टाइम इंटर खुद ब खुद इसकी ट्रांजिशन पे हमने वो लगा देना चेक, कि जब बटन क्लिक करें इसकी जो ये ट्रांजिशन है ना, इसके ऊपर कंडीशन लगा देनी कि जब हम बटन क्लिक करें तब ये ट्रांजिशन ऑन हो, वरना ये ना हो, तो आपने ये याद रख लेना, ये बंद करना है, ठीक हो गया, फिक्स ड्यूरेशन बंद करना है और यहाँ से जीरो कर देना, ये तीन चीज़ें। अच्छा उसके बाद ना ये है लेयर, ये है पैरामीटर, आपने यहाँ इसको देना है पैरामीटर, पैरामीटर चार तरह के हैं, फ्लोट, इंट, बूल और ट्रिगर, हम लेते हैं बूल, हम इसका नाम देते हैं ऑन, कुछ भी ले लो नाम ऑन, ये हम जब चेक करें तब ये चले, जब ये चेक ऑन ट्रू हो, ये ऑन ट्रू हो तभी एनिमेशन चले, वरना ये एनिमेशन ना चले। अब ये तो यहाँ बना लिया, लेकिन यहाँ असाइन किस तरह करना है, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे वो कह रहा है प्लस का निशान, प्लस के निशान पे दबाया, वो कह रहा है आपने एक पैरामीटर लिए, जितने भी लिए होंगे वो लिस्ट आ जाएगी सारी, अभी ये किया तो एक ऑन, अब ये ट्रू हो तब ये चले, अब इसमें चलाते हैं देखते हैं होता क्या, अब होना ये है, अब एनिमेटर पर चले जाओ, अब ये फाल है, जैसे हमने ट्रू किया चल गया, यहाँ तक कोई मसला, कोई मसला नहीं, ओके। अच्छा अब ये तो हमने कर लिया, यहाँ से क्लिक करके देख लिया, यहाँ से क्लिक करके देख लिया, अब हम चाहते हैं कि बटन क्लिक हो तब हमारे पास ये काम करें, एनिमेशन चले। आप किसी स्क्रिप्ट में जाओ, क्यूब एक स्क्रिप्ट बना लो, एनिमेटर कंट्रोलर, जितनी भी एनिमेशन होंगी उसमें आपने लिख लेनी है, ये सिर्फ आपको बताया यार, सिर्फ बताया इसलिए इसका काम आगे यूज़ होता है, तो थोड़ा सा ना आइडिया हो जाए, थोड़ा सा मुश्किल है ये, इसको क्यूब के ऊपर अटैच कर दो, स्क्रिप्ट को कर दिया, ओके अब ये स्क्रिप्ट इसी के ऊपर लगा है तो
हमें टैग से गेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करें, गेट कंपोनेंट करें डायरेक्ट, वो इसी का गेट करेगा। कल भी बताया था मैंने, अगर आपने किसी और चीज़ का किसी ये स्क्रिप्ट हम लगा देते कहीं रख देते किसी और पे, फिर हम क्या करते इस क्यूब को टैग देते, उसके बाद इस क्यूब को टैग से गेट करते, उसके बाद इसका एनिमेटर काम एनिमेटर कंपोनेंट गेट करते, फिर काम करते। अब हमने मैंने लगाए डायरेक्ट इस पे, तो आपको इतना काम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब एनिमेटर गेट करना है तो एनिमेटर टाइप का एक हमें वेरिएबल चाहिए, एनिमेटर इनम, जिस तरह हम पब्लिक शब्लिक वो लेते हैं गेम ऑब्जेक्ट, इसमें हमने एनिमेटर टाइप का लेना है, तो एनिमेटर एनम कुछ भी नाम रख लो, एनम की जगह एनम इज इक्वल टू गेट कंपोनेंट, कंपोनेंट किस टाइप का गेट करना है हमने, एनी मेटर टाइप का, आई या नहीं आई, एनिमेटर एक क्लास है उसका एक वेरिएबल ले लिए एनम, एनम इस टाइम समझ लो एनिमेटर है, उसमें हमने गेट किया एनिमेटर, इसी का एनिमेटर, इस चीज़ का एनिमेटर जिसके ऊपर लगा है, किसके ऊपर लगाया स्क्रिप्ट, क्यूब के ऊपर, क्यूब के ऊपर एनिमेटर कौन सा लगा हुआ है जिसमें एनिमेशंस हैं, वो हमने गेट कर लिया, किस में आ गया एनम में, ठीक हो गया। यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक वाइड क्लिक में, पब्लिक वाइड कुछ भी नाम रख लो। अच्छा, अब हम कहते हैं जब ये बटन क्लिक हो तब वो चले एनिमेशन, तो आपने क्या करना है एनिम डॉट, अब एनिम में क्या आ चुका है एनिमेटर, तो एनिमेटर को हम पैरामीटर भेज सकते हैं बाहर से ट्रू, हमने अंदर से चेक किया था ट्रू, जहरी बात हम बाहर से भी वेरिएबल भेज सकते हैं, एनिम डॉट एनिम डॉट एक चीज़ देख लेंगे यार, मैं सिर्फ कल की चीज़ क्या देखनी है, मेरी जुबान नहीं आता है, सही है भैया, एटम सिंगल एटम डॉट गेट कंपोनेंट एनिमेटर डॉट सेट बोल, ऐसे ना करो मेरी लाइब्रेरी नहीं आ रही, क्या चक्कर है, लिया गेम ऑब्जेक्ट, अब इसे क्या हो गया, अच्छा गेम ऑब्जेक्ट ये एनम एनम में गेट कर लिया हमने एनिम डॉट, यहाँ पर हमने फंक्शन कॉल किए वहीं पर करते हैं एनम डॉट गेट कंपोनेंट, कंपोनेंट कौन सा था हमारे पास, एनी मीटर एनी, अच्छा अब समझ आइए मसला क्या, ये करके देख लें एनी मीटर डॉट, मसला ये है कि जब हम कर ही इसका रहे हैं तो हमें ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, एक अब करो ये
get component animator dot okay, almost there.